नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्पोर्ट्स की दुनिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के मध्य खेले जाने वाले 3 ODI मैचों के थर्ड ODI मैच की पूरी मैच की हाइलाइट के बारे में। दोस्तों, दोनों ही टीमों के मध्य टॉस उछाला गया और ये मैच खेला जा रहा था ओवल स्टेडियम के माउंट मैंग्यू ग्राउंड के अंतर्गत। दोस्तों, न्यूजीलैंड टीम ने इस बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का डिसीजन लिया तो भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल आए। पृथ्वी शॉ ने 40 रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने 1 रन बनाया। उसके बाद विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए, 12 गेंदों में मात्र 9 रन बना के जल्द ही पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक बहुत ही किफ़ायती पारी खेली, 63 गेंदों में 62 रन बनाए। उसके बाद विकेट कीपर KL राहुल ने एक लाजवाब पारी खेली और अपनी फॉर्म को इस मैच में भी बरकरार रखा। 5वें नंबर पर KL राहुल ने 113 गेंदों में 112 रन बनाए, यानी कि बहुत ही शानदार शतक जमाया इस बार KL राहुल ने। उसके बाद मनीष पांडे ने इस मैच में 48 गेंदों में 42 रन बनाए। उसके बाद जडेजा ने 8 और साधु ठाकुर ने 7 रन, नवदीप सैनी ने 8 रन बनाए। इस तरीके से भारतीय टीम ने 50 ओवर समाप्त होते होते 7 विकेट गंवा के 296 रन बनाए। अब न्यूजीलैंड टीम को इस मैच को जीतने के लिए 297 रन का टारगेट मिला। न्यूजीलैंड की टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे हैमेट बेनेट, जिन्होंने 10 ओवर में 64 रन देके 1 मेडल और 4 सफलता हासिल की। उसके बाद न्यूजीलैंड टीम की बैटिंग की हम बात करें तो ओपनिंग सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल और हेनरी निकोलस आए। मार्टिन गप्टिल ने एक बार फिर से इस मैच में भी 66 रन बनाए। हेनरी निकोलस ने भी पिछले मैच की तरह इस मैच में भी 103 गेंदों में 80 रन की पारी खेली। केन विलियमसन ने 31 गेंदों में 22 रन और रोस टेलर ने 18 गेंदों में 12 रन बनाए। वहीं टॉम लेथन ने 34 गेंदों में 32 और जेमी नीसम ने 25 गेंदों में 19 रन बनाए। जब लग रहा था कि भारतीय टीम मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, उसी समय कोलिन डी ग्रैंडहोम ने एक शानदार पारी खेली और 21 गेंदों में ही अर्धशतक जमा दिया, बहुत ही फास्ट अर्धशतक। शार्दुल ठाकुर को बहुत ही जोरों से इन्होंने ताबड़तोड़ बाउंड्री के अंतर्गत उनके ओवर को समाप्त किया और 28 गेंदों में 207 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके और 3 छक्के लगाकर 58 रन की एक नाबाद पारी खेली। और इस तरीके से न्यूजीलैंड टीम जो है इस तीसरे ODI मैच को भी 17 बॉल रहते हुए 5 विकेट से जीत के सीरीज को अपने नाम पहले ही कर चुकी थी, लेकिन पहली बार काफ़ी लंबे लगभग 31 सालों के रिकॉर्ड को यहां पे न्यूजीलैंड टीम ने तोड़ दिया है। भारतीय टीम को पहली बार क्लीन स्वीप यहां पे कर दिया है न्यूजीलैंड टीम ने। तो दोस्तों, भारतीय टीम की ओर से सफल गेंदबाज यजुवेंद्र सिंह चहल रहे 10 ओवरों में 47 रन देके 1 विकेट 1 मेडल ओवर और 3 विकेट यहां पे हासिल किए। सबसे महंगे गेंदबाज शार्दुल ठाकुर रहे 9.1 ओवर में 87 रन दिए। और यहां पे नवदीप सैनी ने भी 8 ओवर में 68 रन की एक बहुत ही खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इस तरीके से यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम ने 5 विकेट रहते हुए इस मैच को जीतकर भारतीय टीम को क्लीन स्वीप यहाँ पे दे दी है। तीनों ही ODI मैच भारतीय टीम हार चुकी है। इस मैच के जिम्मेदार गेंदबाजों को ठहराया जा रहा है, क्योंकि पहले मैच में एक भारतीय गेंदबाजों ने 350 रन के टारगेट को भी बहुत ही आसानी से चेज करने के लिए न्यूजीलैंड टीम को मौका दिया, उसमें भी खराब गेंदबाजी हुई। दूसरे मैच में 273 रन जो है भारतीय बैट्समैनों ने निराश किया जो नहीं बना पाए। उसके बाद थर्ड मैच में लगभग हम बात करें 300 रनों के टारगेट को एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड टीम को जीतने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, ये थी पूरे मैच का लेखा जोखा। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर टीम इंडिया के बारे में जो भी आपकी उचित राय हो, जो भी ओपिनियन हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस मैच की प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है रोस टेलर को दी गई और इस मैच का प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है हेनरी निकोलस को दिया गया।